जिसने केंद्र सरकार में अटल बिहार वाजपेयी की गिरा दी थी सरकार। जी हाँ, अटल बिहारी वाजपेयी की केंद्र में एक ऐसे नेता है बिहार के जिनके समर्थन वापस लेने से केंद्र में सरकार गिर गई थी। आज हम उन्हीं शख्सियत की बात करेंगे, वो नाम है रामविलास पासवान। नमस्कार, मैं हूँ शशि प्रिया और हाजिर हूँ नेक्स्ट लाइन के इस खास प्रोग्राम में जिसका नाम है पब्लिक फेस। पब्लिक फेस में आज हम बात करेंगे रामविलास पासवान की। रामविलास पासवान एक ऐसे नेता हैं जिन्होंने राजनीति की शुरुआत जेपी आंदोलन से की, बीएन कॉलेज से उन्होंने पढ़ाई की और बीएन कॉलेज से तमाम वो नेता हैं जो निकले हैं और आज बिहार में अग्रणी भूमिका में हैं। चाहे बात हम बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कर लें, आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की कर लें, हालांकि लालू प्रसाद यादव इस वक्त सजा में काट रहे हैं और सजा याफ्ता हैं, उनकी जिस तरीके से पढ़ाई हुई और उसके बाद जैसे वो राजनीति में आए, ये तमाम चीज़ें आप लोगों को मालूम है। और ऐसे में रामविलास पासवान भी जिस तरीके से बिहार की राजनीति में आए, किस तरीके से रामविलास पासवान वहां पहुंचे और कैसे उन्होंने राजनीतिक जगत में कदम रखा और उसके बाद पहुंचे वैशाली और क्या कुछ किया, ये जानिए हमारी इस बेहद खास रिपोर्ट के जरिए। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राजग सरकार में कैबिनेट मंत्री के रूप में साल 2014 में शपथ लेने वाले रामविलास पासवान पिछले 3 दशक से हर तरह की सरकारों में केंद्रीय मंत्रिमंडल में रहे। इस दलित नेता ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के सदस्य के रूप में की और 1969 में बिहार विधानसभा के लिए चुने गए। उसके बाद वो तेजी से सीढ़ी चढ़ते गए और कभी भी किसी राजनीतिक विचारधारा को अपनी राह में नहीं आने दिया। केवल 2009 से 2014 के बीच का समय पासवान के लिए ज्यादा अच्छा नहीं रहा। वो लालू प्रसाद की राजद के साथ गठबंधन कर लोकसभा चुनाव लड़े, लेकिन उनकी पार्टी लोजपा एक सीट भी नहीं जीत पाई और वो खुद भी हाजीपुर से हार गए। इसे छोड़ दें तो बिहार का ये नेता हमेशा देश के राजनीतिक हालात और नब्ज समझता रहा है और उनका राजनीतिक करियर अब 45 साल का है। फरवरी 2014 में पासवान ने राजग से जुड़ने का फैसला किया और नरेंद्र मोदी को लेकर उनके मन में जो भी विरोध था उसे दरकिनार करते हुए उन्होंने देश की नब्ज समझी और राजग में शामिल हो गए। ये स्पष्ट था कि बीजेपी के नेतृत्व वाला गठबंधन सरकार में आने वाला है। पासवान संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी, लोक दल जनता पार्टी, जनता दल जदयू में रहे और फिर 2000 में अपनी पार्टी लोजपा का गठन किया। आज कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ लेने वाले पासवान शायद अकेले ऐसे नेता हैं जिन्होंने 6 अलग-अलग प्रधानमंत्रियों विश्वनाथ प्रताप सिंह, एचडी देवगौड़ा, आईके गुजराल, अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह और मोदी की कैबिनेट में काम कर चुके हैं। यह है पासवान विश्वनाथ प्रसाद सिंह के समय में रेल मंत्री बने। केंद्र में चाहे यूनाइटेड फ्रंट हो, राजग हो या संप्रग, पासवान को अधिकतर सभी गठबंधन का हिस्सा बनने का मौका मिला। संप्रग 2 सरकार में वो मंत्रिमंडल में शामिल नहीं रहे। वो विश्वनाथ प्रताप सिंह के समय 1989 में केंद्रीय श्रम मंत्री बने। एसडी देवगौड़ा और गुजराल सरकार के समय वो जून 1996 से मार्च 1998 तक रेल मंत्री रहे। पासवान अक्टूबर 1999 से सितंबर 2001 के बीच संचार और आईटी मंत्री रहे। सितंबर 2001 से अप्रैल 2002 के बीच वो खान मंत्री रहे। 2004 से 2009 के बीच वो रसायन और उर्वरक और इस्पात मंत्री रहे। पासवान के पास LLB और MA की डिग्रियां हैं। वो 8 बार लोकसभा सांसद रहे। हाजीपुर सीट से 5 लाख से अधिक मतों से जीतकर उन्होंने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाया। आपातकाल के समय वो जेल भी गए। संसद में प्रवेश के लिए केवल 1 बार उन्हें राज्यसभा का विकल्प चुनना पड़ा। वो 2009 का चुनाव हारे और उनकी पार्टी का खाता भी नहीं खुला। पासवान को जदयू के रामसुंदर दास ने हराया था। राजद के समर्थन से वो राज्यसभा चुनाव जीते। पासवान ने गुजरात में 2002 में हुए दंगों को लेकर मोदी का विरोध करते हुए राजग का साथ छोड़ दिया था।
और अब केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामविलास पासवान ने संकेत दिए हैं कि सरकार बनी तो उनके बेटे चिराग पासवान केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं। रामविलास पासवान ने कहा है कि उनकी पार्टी की पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगी कि पार्टी से कौन मंत्रिमंडल में शामिल होगा। वर्तमान मोदी सरकार में फिलहाल रामविलास पासवान मंत्री हैं, लेकिन उन्होंने इस बार लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ा है। सीट बंटवारे के मुताबिक पासवान की पार्टी को लोकसभा की 6 सीटें मिलने के साथ साथ एक सीट राज्यसभा को भी दी गई है। पासवान राज्यसभा की सीट के जरिए एक बार संसद पहुंचेंगे। पासवान ने कहा कि तय तो यही हुआ था कि अब देखना है कि उन्हें राज्यसभा का टिकट कब मिलता है। कहा जा रहा है कि उन्हें असम से राज्यसभा का टिकट मिल सकता है। हालांकि अभी नतीजे नहीं आए हैं, लेकिन मंत्रिमंडल में शामिल होने के चर्चे अभी से शुरू हो गए हैं। रामविलास पासवान से जब पूछा गया कि इस बारे में उनके बेटे चिराग पासवान मंत्रिमंडल में शामिल होंगे या वो खुद मंत्री बनेंगे, तब रामविलास पासवान ने कहा कि ये फैसला पार्टी का संसदीय बोर्ड करेगा, जिसके चेयरमैन खुद चिराग पासवान हैं। माना जा रहा है कि रामविलास पासवान अपने बेटे के भविष्य के लिए मंत्री पद भी छोड़ सकते हैं, क्योंकि लोक जनशक्ति पार्टी के कोटे से सिर्फ एक ही मंत्री पद दिया जा सकता है। ऐसे में चिराग पासवान को ये मौका मिल सकता है। हालांकि इसके लिए उन्हें 23 मई का इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि उसी दिन उनके निर्वाचन क्षेत्र के नतीजे भी आएंगे। जमुई से चुनाव लड़ रहे चिराग पासवान को RLSP के भूदेव चौधरी से चुनौती मिली है। माना जा रहा है कि वहां कांटे की टक्कर है, लेकिन रामविलास पासवान अपने बेटे की जीत को लेकर आश्वस्त है। एग्जिट पोल से खुश रामविलास पासवान का कहना है कि उन्होंने पहले ही कहा था कि मोदी की सुनामी है और NDA को 350 सीट मिलने का अनुमान है। पासवान ने जीत का सारा श्रेय नरेंद्र मोदी को दिया। उन्होंने यहां तक कह दिया कि बिहार में 40 की 40 सीटों पर हम जीतेंगे। रामविलास पासवान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का समर्थन करते हुए कहा कि इतनी गर्मी में चुनाव नहीं होना चाहिए, सभी दलों को इस पर बैठ कर केवल विचार ही नहीं बल्कि निर्णय लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि चुनाव का समय फरवरी या मार्च होना चाहिए। बहरहाल जिस तरीके से लगातार सीढ़ियां चढ़ते जा रहे हैं विकास की रामविलास पासवान, क्या वाकई चिराग पासवान भी नाम कर पाएंगे पिता की तरह? देखने वाली बात होगी। नेक्स्ट 9 न्यूज के लिए शशि प्रिया सिंह की रिपोर्ट। तो आपने देखा कि किस तरीके से रामविलास पासवान ने राजनीति में कदम रखा और उसके बाद लगातार बुलंदियों को छूते रहे। कैसे उन्होंने शादी विवाह किया और उनके लड़के भी राजनीति में हैं और बेहतर करने की कोशिश में हैं चिराग पासवान। क्या वाकई चिराग पासवान भी उन्हीं बुलंदियों को छू पाएंगे जो रामविलास पासवान ने छुआ है? रामविलास पासवान वैशाली के लिए और क्या कुछ कर सकते हैं और किस तरीके से वो वहाँ पर जनता के विकास को लेकर काम करें, ये तमाम चीज़ें हमने आपको बताने की कोशिश की है। एक बार फिर से हम हाजिर होंगे कुछ ऐसे ही नए चेहरों के बारे में, उनकी अनसुनी कहानियों को लेकर, जिसे जानने और समझने के लिए आप रहते हैं बेकरार। तो आप कीजिए इंतज़ार और हमें दीजिए इजाज़त। देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़। नमस्कार।